अब हम मिले किस लिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अभी बता रहा था कि दो बूंद जिंदगी की यहाँ पे 5 लीटर जिंदगी की है। Hey guys, welcome back to the channel। और जैसा कि आप लोगों ने सुना तो होगा बहुत 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 बार कि दो बूंद जिंदगी की होती है, वैसे ही आज हम लेने जा रहे हैं 5 लीटर जिंदगी की। भाई समझ में नहीं आया, थोड़े देर बने रहो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई विल कैच यू अप वंस आई रीच रितेश हूँ। नोएडा चल रहा हूँ अभी थोड़ी देर, फिर उसके बाद वार्तालाप अच्छे से बताता हूँ कि आखिर कर क्या रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो चुका है, चारों तरफ देखो कंस्ट्रक्शन, और ये उल्टा ही जाना पड़ रहा है हम लोगों को इस टाइम पे। सो फार सो गुड, अभी तो चलते हैं, थोड़ा रितेश से मिलता हूँ एंड आई विल कैच यू अप इन सम टाइम गाइस। तो गाइस पता नहीं क्यों स्टीयरिंग मेरा बहुत ज़्यादा हिलने लगा, ईपीएस की लाइट जली तो नहीं बट आई थिंक कुछ ईपीएस का ही प्रॉब्लम है, देखते हैं कहीं रुकता हूँ तो उसके बाद ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। होप सो अगर दोबारा नहीं होता है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, अगर होता है तो मैं आप लोगों को गाड़ी साइड में लगा के दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ इसको बोलते हैं सर मुंडवाते, इसको कहते हैं सर मुंडवाते ओले पड़ गए, तो अभी हमारे सर में ओले पड़ रहे हैं, आई मीन गाड़ी ख़राब हो गई है, ना चलने का नतीजा यही होता है गाड़ी का। वैसे सड़कें इतनी खाली कभी देखी नहीं मैंने, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही खाली हो रखी हैं एंड होप सो इसी वजह से मैं पहुँच जाऊँ अपनी डेस्टिनेशन में। वेल इतनी खाली सड़कें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं इस टाइम पे नोएडा और NCR में, एंड देखो बस नज़ारा, ये सड़क इतनी खाली मैंने बहुत कम देखी है भाई लोग, मतलब मुझे अभी जो जर्नी करने जा रहा हूँ एंड आई कैन हियर दी ईपीएस साउंड अगेन, ये बीप 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 कर रहा है बीच में, कुछ तो गड़बड़ है दया एंड आई थिंक ईपीएस अगेन गोइंग टू स्क्रू मी अप। तरीके से कुछ इस तरीके से नज़ारा, पता नहीं क्या हो रहा है, ये इसकी लाइट तो नहीं जल रही है बट आई नो इट इज़ सर्टेनली समथिंग रिलेटेड टू दिस। बंद कर दिए गाड़ी को, थोड़ी देर में ये चला जाए। वेल इसी को ही बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। भाई अभी लॉकडाउन रखा है और ये सारी चीज़ें ठीक होंगी नहीं, इसी टाइम पे इसको भी सत्यानाश करना था, तो अभी वेट करता हूँ फिलहाल तो मैं रितेश आए एंड वंस ही इज़ हेयर तो उसके बाद देखते हैं गाड़ी घर तक पहुँचाती है या नहीं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। सो आई नो ध्यान से देखो कौन आया ये। मतलब इतने बड़े शरीर में इतना सा चश्मा। ये पहले भाई साहब को लौटाया जाए, मुझे पहले लगा इसका टूट गया शायद, वो साइड वाला निकल जाता है। और अब मैं अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम दिखाता हूँ। आप भी कितने पतले हो गए भैया? पतला हो गया? भाई इसके लिए मोटा हो गया हूँ? नहीं, बैक साइड तो बहुत अंदर हो गया। अभी नहीं आ रही है, अचानक से शुरू हो जा रहा है इसका कार्यक्रम, वही इशू लग रहा है मेरे को। नहीं बेल्ट चेक कर ली, बेल्ट तो ठीक है, सही है, बेल्ट का नहीं होता, ये मोटर का होता है। अभी मैंने स्टोरी डाली ना उसमें देखी, ये पूरा ऐसे वाइब्रेट करने लग जा रहा है, अब नहीं हो रहा। मैं आ गया, मैं इसको घर ही ले जाता हूँ। नहीं हो तो बेटर है, क्योंकि ये पूरा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना नीचे से ऊपर तक, ये घर हिलने लग जा रहा है। जब ऐसे कर भी एसी ऑफ। अब हम मिले किस लिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अभी बता रहा था कि दो बूंद जिंदगी की यहाँ पे 5 लीटर जिंदगी की है। वो क्या है मैं दिखाता हूँ, डिग्गी बोल के लाश निकाली जाए। चाकू भी है डब्बा। अब आप चाहोगे मैं यही अनबॉक्स करूँ? यही कर लेते हैं, इसमें ज्यादा होंगे ना वैसे। हाँ एक मेरा। तो खोलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर है क्या एक्चुअली में। चल भाई शुरू हो जाए। पूरा एक सेट आता है ना भैया, इसलिए
इसकी मैंने कहा एक मेरा भी यूज़ आएगा बढ़िया, तो मैं भी ले लेता। तो ये है खजाना, ऐसे नहीं दिखाऊंगा रुको छोड़ो हाथ पे सैनिटाइज करने पड़े। ये है खजाना, ये थंबनेल भी जाएगा। चलो तो इसमें से तीन मेरे हैं बाय द वे। एक्चुअली मैं अभी मैं पूरी कहानी बताता हूँ इसकी, जरा पहले रख लेते हैं। जिंदगी हो गई यार, तो दिख रहा हूँ ना मैं। हाँ तो भाई कहानी ऐसी है एक्चुअली में कि ये है सैनिटाइज़र, अब मार्केट में ये मुझे मिलता है अच्छे खासे रेट में, बट रितेश के फादर, रितेश के पापा जिस कंपनी में एम्प्लॉयड है, आई मीन ही इज़ इन अ गुड पोस्ट, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री से ये निकलवाया है, तो उस फैक्ट्री में अब सैनिटाइजर्स बनते हैं, करेक्ट? एग्जैक्टली। तो भैया जिस जिसको चाहिए ना इसको DM कर डालो, कर दो। ये हमारा डीलर बन चुका है आज के डेट में, और अच्छे रेट में दे देगा, ये गारंटी है, और अच्छी चीज़ देगा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सैनिटाइजर बहुत सारे नकली भी आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे। तो इस टाइम पे ट्रस्ट, हम ट्रस्ट पे ही कर सकते हैं, इसका तो नाम ही ट्रस्ट है। अगर आप लोगों को पता हो तो ट्रस्ट शुगर मिल है, एंड वो शुगर बनाती थी, और उस टाइम पे सारे मैगडीज एंड सब जगह इन्हीं का ही माल जाता है। करेक्ट। तो यू शुड बी डूइंग दिस, मैं इसका जो भी है इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डाल दूंगा, वहाँ जाके कर दो, और बातें करनी है इससे बातें कर लेना, बट सैनिटाइजर लेना है तो भाई को पकड़ डालो। तो मिलता हूँ अभी आपको घर जाके, फिलहाल तो देखता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, गले भी नहीं मिल सकते हैं, बट जल्दी ही हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा, दैट यू विल कम टू नो सून। थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हो जाए, वैसे तो आज ही चला जाएगा ये वापस, करेक्ट? यू आर गोइंग बैक ना? एग्जैक्टली। इज राइट नाउ इन सिम्बोली, अभी हम नोएडा में हैं, नोएडा सेक्टर 50 साईं बाबा मंदिर, पूरा साईं बाबा मंदिर। तो आप लोगों को मिलता हूँ मैं एक बार घर जब पहुँच जाऊँ, बाय। सो देयर वी गो, रितेश जा रहा है अपने घर, मैं जा रहा हूँ अब अपने घर, ऑल्सो मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गड़बड़ ना करे, अगर किसी को सीरियसली चाहिए, एंड टेलिंग यू गाइज, अगर सीरियसली आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं घर जाके आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ सारी, आई विल कैच यू अप लेटर ऑन। ये क्या है ये सब, ये क्या फैला के रखा हुआ है तुमने? एक्चुअली में ये सारा मैं दिखाना चाह रहा था कि अभी तक कितना सारा हम सैनिटाइजर ले आए हैं। आजकल जैसे कि पता है सबको कि सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज मार्केट में इतने सारे सैनिटाइजर आ चुके हैं, इतने सारे आ चुके हैं, कोई 400 का, कोई 600 का, कोई 200 का, कोई 150 का, कोई 150 का, कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता। अब इस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या करा, मैं ले आया आज जाके ये है 5 लीटर की कैन, एंड आई थिंक ये वर्थ है रेदर देन स्पेंडिंग इतना सारा पैसा उनमें। हाँ बेटा, ये तो है कि अगर आप रिटेल में खरीदते हो और होलसेल में खरीदते हो फर्क तो पड़ता है, बट जो भी अगर आप रिटेल या होलसेल में खरीदें उसकी एक प्योरिटी है, ट्रस्ट प्योरिटी, और इसमें 99.9% जर्म्स के लिए जो है, आई मीन इसमें एक्चुअली में 80% अल्कोहल है, जो कि उनमें 70% तो है। पहली चीज तो विन विन सिचुएशन यहीं पर ही है, लेकिन द थिंग इज मैं ये नहीं बोल रहा कि यही ब्रांड खरीदो, बट मेरा मानना ये है कि रेदर देन स्पेंडिंग छोटे छोटे में हम पैसा वेस्ट करें, क्योंकि अब तो ये नेसेसिटी है, जनवरी फरवरी मार्च यू नेवर नो कब तक जरूरत पड़ेगी, ये तो अब लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। ऑल्दो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हम पूरा इसी पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है, जो कि हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। आई थिंक मेरे पापा ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ही विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। अभी फिलहाल के लिए आई थिंक हमको पैसे बचाने के लिए 5 लीटर वाले में एक इन्वेस्ट कर देना चाहिए, एंड आपको नियर बाय शॉप में जहाँ भी एक अच्छी क्वालिटी का मिले, मेक श्योर कि उसमें इथाइल अल्कोहल की कंटेंट ज़्यादा हो, यानी 80% या 75% से अबव हो, तब तो वो अच्छा सैनिटाइजर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। इसी बोतल को यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको भर के आपको रिफिल करके, इसको जो है इसको रिफिल करके हम अपने इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर किसी को खरीदना है। वैसे तो मैं ये रितेश से लेकर आया हूँ, जैसे कि आप लोग चमली के नाम से जानते हैं,
इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद हिम आई विल ड्रॉप द लिंक. कोई प्रमोशन नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन. ये सिंपल सा एक फ्रेंड है तो इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको कहीं से भी मार्केट में मिले गो फॉर दैट. ऑनलाइन मिले ऑनलाइन खरीदो, लेकिन ये ट्रस्ट जो है ये ट्रस्टवर्दी है और हम जो है इसके और दूसरे कंटेंट्स के लिए बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको. तो एनीवेज आज की वीडियो के लिए बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा. अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना. और एज यूजुअल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने और मेरे पापा ने प्लान आउट करी है, बिकॉज अभी तक पापा बहुत बिजी थे लाइफ में. अब उनकी सेकेंड इनिंग चालू हो चुकी है तो वी आर होपिंग कि वील गेट ग्रेट कंटेंट इन द कमिंग ऑफ वीडियोज. वैसे बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी तक उन्होंने कभी शेयर ही नहीं करी. याद होगा मेरी ऑल इंडिया ट्रिप जहाँ पे मैंने कहा था कि वो बाइकिंग का कीड़ा कहाँ से लगा था, वो इधर से ही लगे था. तो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा. बहुत नियर फ्यूचर में हम बहुत कुछ करने वाले हैं धमाल. इस बच्चे को याद रखिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए. ओ आई विल गेट यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी सेफ एंड घर में रहो भैया. जहाँ बाहर 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 मत निकलो. हम लोग दिखाते हैं ऑनलाइन कि हम जा रहे हैं बाहर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट वी केप प्रिकॉशन. आप लोग घर में रहो, घर में एंजॉय करो, स्टे विद योर फैमिली एंड बी हैप्पी. See you in the next video. Bye, guys.